हाय गाइज, आज हम स्टूडियो में मेरे पास ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा। मेनली ये पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए यूज़ होता है और सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस थोड़ी वैरी करती रहती है और मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा है तो इसे ऑनलाइन खरीदने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप सबसे पहले इसकी प्राइस चेक कर लीजिए और उसी लिंक से आप इसे खरीद भी सकते हो। और हम पल्स ऑक्सीमीटर के बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसकी कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है और इसके साथ ही यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी दिया गया है और इस पल्स मीटर पे आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। और इस पल्स मीटर से आप ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो और पल्स रेट भी चेक कर सकते हो और परफोरेशन इंडेक्स भी चेक कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। तो जल्दी से मैं आपको इसे ओपन करके दिखा दूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया है और ये पल्स मीटर बहुत ही तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलता है, आपको देखते ही पता चल रहा होगा। और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटी साइज में आता है और इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे क्वालिटी चेक सर्टिफिकेट भी मिलता है और उसके ऊपर डेट भी लिखी होती है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, इसके ऊपर पल्स ऑक्सीमीटर की पूरी जानकारी दी है और यहाँ पे इस पे पल्स ऑक्सीमीटर के वारंटी की कंडीशंस भी दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर लटकाने के लिए एक लेस मिलती है। सबसे पहले इसकी ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको एक व्हाइट कलर की बटन मिलती है, उसके आगे कुछ इंडिकेशन दी गए हैं, वो बटन नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले मिलता है और उस डिस्प्ले के आगे एक प्लास्टिक की स्क्रीन दी गई है जो स्क्रैच प्रूफ नहीं है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। और इसकी डिज़ाइन की बात करें तो इसके अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और ये डिफरेंट कलर वेरियंट में भी आता है। और इसकी ओपनिंग की बात करें तो अगर आपकी उंगलियाँ मोटी है फिर भी इसमें अच्छे से फिट आएंगी और ये तभी भी एक्यूरेट रीडिंग दिखाएगा। और यहाँ पर इसके पीछे बैटरी डलती है और इसकी बैटरी की बात करो तो यहाँ पे आपको 2 AA 1.5 वोल्ट अल्कालाइन बैटरी लगानी पड़ती है। सिंपली हम इस बैटरी को AAA बैटरी भी कहते हैं। ये इजीली लोकल मार्केट में मिल जाती है। इस बैटरी पे अगर आप इस पल्स ऑक्सीमीटर को कंटिन्यूसली ऑन रखेंगे तो ये कंटिन्यू 20 घंटे तक ऑन रहेगा, मगर इससे रीडिंग लेने के लिए सिर्फ आपको 1 ही मिनट लगता है। और इसके सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक रेड लाइट सेंसर मिलता है, से ये ऑक्सीमीटर रीडिंग लेता है। और इसको क्लीन करने की बात करें तो इसको आप एक स्मूथ कपड़े पे सैनिटाइजर अप्लाई करके इसे पूरा क्लीन कर सकते हो और इससे आप अंदर से भी क्लीन कर सकते हो और उससे इस लाइट सेंसर का भी कुछ नहीं होगा। इसको सिंपली यूज़ करने के लिए यहाँ से प्रेस करके इसे ओपन कर लेना है और इसके अंदर आपके दाएं हाथ की पहली उंगली डाल देनी है। अगर आप लिफ्टी होंगे तो आप बाएं हाथ की पहली उंगली डाल दीजिए। इसके अंदर जहाँ तक आपकी उंगली जाती है वहाँ तक आपको उंगली डालनी है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके नाखून छोटे होने चाहिए और आपके नाखून के ऊपर नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाखून के ऊपर नेल पॉलिश होगा तो ये गलत रीडिंग दिखाएगा। उसके बाद में ये व्हाइट वाली बटन प्रेस करनी है, उसके बाद में 5 सेकंड में ये बूट होके आपको रीडिंग दिखा देगा। यहाँ पे आपको ऑक्सीमीटर 3 रीडिंग दिखाएगा, उसमें से सबसे पहले जो पीले कलर में परसेंटेज SpO2 है वो ऑक्सीजन लेवल है और जनरली ह्यूमन बॉडी की ऑक्सीजन लेवल 95% से लेकर 100% के बीच में ही होती है। और आपकी ऑक्सीजन लेवल 95 से कम होती है तो आपको डॉक्टर से चेक करा लेना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको हरे कलर में PR BPM दिख रहा है, ये पल्स रेट है। पल्स रेट हम बीट्स पर मिनट में मेजर करते हैं इसलिए यहाँ पे PR BPM लिखा है। पल्स रेट जनरली 60 से लेकर 90 तक होना चाहिए। अगर आपको BP शुगर जैसी बीमारी होंगी और आप उसके लिए मेडिसिन ले रहे होंगे तो उस मेडिसिन की वजह से आपकी पल्स रेट 90 से ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बीच में नीले कलर में PI% दिख रहा होगा, वो परफ्यूजन इंडेक्स इंडिकेट करता है। परफ्यूजन इंडेक्स एक रेशियो होता है, वो इंडिकेट करता है कि आपके सेल्स में कितना ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और कितना ब्लड ठहरा हुआ है। परफ्यूजन इंडेक्स की जनरल रेंज यूजर मैनुअल में नहीं दी गई है, अगर आपको परफ्यूजन इंडेक्स की रेंज बताऊंगी तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे आपको एक पल्स रेट का ग्राफ भी दिखाई देगा और यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में बैटरी इंडिकेटर भी दिया गया है। और ये पल्स ऑक्सीमीटर 4 डिफरेंट मोड्स में रीडिंग डिस्प्ले कर सकता है। डिस्प्ले मोड चेंज करने के लिए सिंपली आपको पावर बटन फिर से दबानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये होगी हॉरिजॉन्टल, उसके बाद में ये होगी इन्वर्टेड, उसके बाद में ये वर्टिकल और ये वर्टिकल की इन्वर्टेड। उसको बंद करने के लिए सिंपली आपको आपकी उंगली इसे बाहर निकाल लेनी है, उसके बाद में यहाँ पे आपको फिंगर आउट दिखेगा और ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। इसको बंद करने के लिए कोई भी बटन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड में बंद हो जाएगा। एक्चुअली इसमें ऑटो स्लिप फंक्शन है जिससे कि अगर आपका फिंगर इसमें नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड में बंद हो जाएगा। अगर ये पल्स ऑक्सीमीटर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो इसे ऑनलाइन खरीदने की लिंक मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे खरीद सकते हो। और अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। और ऐसी अनबॉक्सिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो भी चलेगा, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और मेरे चैनल PhDP क्रिएशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में।